वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीवीएल। जीवीएल कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन है या यूवीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड बोलते हैं, ठीक है, या जीवीएल ग्रेजुअली वेरिंग लोड बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप इसका नाम बोलते हैं, जैसे हम बात करते हैं जीवीएल, जीवीएल या फिर यूवीएल, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल तौर पे मेरे पास एक लोड है, बेसिकली ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का यहां से ये टोटल लेंथ क्या है, एल है, और इसके सेंटर से ये एल बाई थ्री होता है, और यहां से इस साइड से टू एल बाई थ्री होता है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है। अगर मान ली इसका एरिया निकालना है तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखिए ये डब्ल्यू बोल दीजिए इसको चाहो तो, एरिया कितना हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि डब्ल्यू एल बाई टू मेरा लोड हो गया। आप ध्यान रखिएगा जितना एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू लोड, यानी कि जितना एरिया आपका कवर करेगा वो क्या कहलाएगा, वो लोड कहलाएगा इस केस में, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल हमारा क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, और जितना ये एरिया कवर कर रहा है वो क्या कहलाएगा, लोड कहलाएगा, मतलब न्यूटन कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम एक क्वेश्चन के ऊपर, उसके बाद इसको समझ लेंगे। मान ली मेरे पास ये कोई लोड है, ठीक है, जिसको हमने बोल दिया ए एंड बी, ये मेरे पास 3 मीटर है और ये मेरे पास 5 किलोन्यूटन का, किलोन्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे भाई लोअर लोड इज इक्वल टू अपर लोड, यानी कि आर ए प्लस आर बी कितना है, जितना एरिया कवर कर रहा है, 1/2 कितना है बेस, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि ये आ गया 7.5, यानी कि टोटल दोनों रिएक्शन पर ऊपर से लोड कितना लग रहा है, 7.5 का लग रहा है। लिखेंगे रिएक्शन अबाउट द ए, फिर दूसरा पॉइंट रिएक्शन अबाउट ए, वही अजम्पशन मानेंगे, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, और किसके अबाउट घूम रहा है, ए के अबाउट, ऐसा कैसे माना हमने, माइनस, यानी कि माइनस का आर बी इंटू कहां तक की डिस्टेंस, ए तक की डिस्टेंस, ठीक है, प्लस, क्योंकि लोड ऐसे गिर रहा है, यानी कि लोड क्या चल रहा है, हम क्या चल रहे हैं, एरिया, यानी कि 1/2 बेस कितना है 3 इंटू हाइट। अब चूंकि सेंटर से हम इधर की ओर चल रहे हैं तो ये इधर क्या होता है, एल बाई थ्री, और इधर होता है 2L/3। अब देखो बेटा हम इधर से इधर चल रहे हैं, मतलब सेंटर से हम इधर की ओर आ रहे हैं, तो यहां से एल बाई थ्री मतलब 3/3 और मल्टीप्लाई होगा, अगर हम ऐसे चल रहे होते तो 2L/3 यहां मल्टीप्लाई हो जाता। बात क्लियर हो गई सबको, चलिए बात करते हैं आर, इधर ले जाएंगे पॉजिटिव होगा, आर बी मल्टीप्लाई 3, ये क्या हो जाएगा 1.5, यानी कि कितना आ गया, ये 7.5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड बाई 3, यानी कि ये आ गया आर बी जो आ गया वो 2.5 किलो न्यूटन आ गया। अब 2.5 को यहां पुट कर दीजिए आर बी यहां पे, तो आर ए निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 7.5 में से घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 5, ठीक।
आर आ गया मेरा 5 और आर भी आ गया मेरा 2.5। ठीक, अब हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अब देखो शेयर फोर्स कैलकुलेशन, यहां से शेयर फोर्स कैलकुलेशन, अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव, एफ डैश बी, वही पॉइंट प्रोडक्ट डैश निकलेगा। एफ डैश बी कितना है, 0 है। एफ बी कितना लग रहा है इधर से, 2.5 किलोन्यूटन का, लेकिन हमने कैसे माना है इसको, प्लस माना है। ठीक है, अब एफ डैश ए निकालेंगे। एफ डैश ए कितना है, 2.5 माइनस का कितना एरिया है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आ गया एफ डैश ए इक्वल टू 2.5 माइनस का कितना हो गया, 7.5। यानी कि ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका 2.5 और ये आ गया 5 किलो न्यूटन, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, अब देखो एफ ए पर, यानी कि माइनस का 5 और ये प्लस का 5, क्या हो गया 0। यहां से प्लस का 5 लग रहा है, 0 हो गया। यहां पे किसी को दिक्कत है तो बोलो, बहुत सिंपल केसेस हैं। बस अगर आपको ध्यान में वही लाइन खींचना है, यहां पर थोड़ा सा ऊपर खींच दीजिए इसको, सबसे अच्छा यहां पर। तो ये प्लस, ये माइनस, ये 0.0 स्टार्ट हो रहा है। एफ डैश बी 0, एफ बी कितना है 2.5 और एफ डैश ए कितना है, माइनस का 5 और उसके बाद ये 0। तो ये लोड कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ये एक तरीके से यहां पर हॉरिजॉन्टल हो जाता है। थोड़ा सा और स्मूथली जब बढ़ाएंगे, आप पेंसिल से बनाएंगे तो बड़ा अच्छा से बनेगा। ठीक है, और क्यों, और उसके बाद ये यहां से यहां मिला दीजिए। ये क्यों होता है, कैसे होता है, बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम इसके बाद दो लेक्चर के बाद थ्योरी करेंगे, तब आपको पता लगेगा क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये कौन सा आ गया, ये पैराबोलिक आ गया। ठीक है, अब यहां पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लो। बीएमसी कैलकुलेशन, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, अब देखो बीएमसी कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर, एमडी पे तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, एमए पर, एमए पर कितना हो जाएगा, ऐसे चल रहा है, हमने नेगेटिव माना है, यानी कि माइनस का 2.5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल का एरिया ऐसे गिरेगा, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एल बाई थ्री से, यानी 3/3 से, ये आ गया 0। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी 0 और ये भी 0, तो इसको कैसे मिला देंगे, कुछ इस तरीके से मिला देंगे, ये हो जाएगा हाइपरबोलिक। देखिए क्यूबिक में और हाइपरबोलिक में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस आप लोग क्या करिएगा कि इसको लिख दीजिएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैराबोलिक और हाइपरबोलिक आपको ज्यादा अंतर समझ, क्योंकि थोड़ा कर्व वहां पर ज्यादा बन जाता है, यहां पर थोड़ा कर्व कम हो जाता है। ठीक है, जिससे कंफ्यूज मत रहिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम इनके केसेस पे आएंगे, सारे के सारे इनके जितने भी केसेस हैं वो हम केसेस करेंगे। पहले इतना नोट कर दीजिए सब लोग, चलिए नेक्स्ट केसेस की ओर चलते हैं। अब ये ट्रायंगल हमने इस तरफ से लगाया था, अब यही ट्रायंगल हम क्या करें, इस साइड लगा दें ऐसे। ये ट्रायंगल हमने ऐसे लगा दिया, ये हमने बोल दिया 4 मीटर और हमने बोल दिया ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और ए हमने ऐसे रहने दिया, इसको हमने बी ऐसे रहने दिया। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन तो वही रखेंगे, डायग्राम की तरीका वही रखेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, वही आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 10 किलो न्यूटन का ऊपर से लोड लग रहा है। ठीक है, रिएक्शन अबाउट द ए, रिएक्शन
अबाउट ए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए, अब इसका सेंटर हो गया। चलिए अब किसके अबाउट निकालना है, आर बी के, ए के अबाउट। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आर बी कैसे घूमेगा, निगेटिव यानी कि माइनस का आर बी मल्टीप्लाई कितनी डिस्टेंस है, 4, ठीक है, प्लस ट्राइंगल का एरिया कितना है, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि हम सेंटर से ले रहे हैं, इधर से क्या लेंगे, अब क्या लेंगे, 2L/3, 2L, L कितना है, 4/3 बराबर 0। ये ऐसे कैलकुलेट होगा, पहले हमने क्या करा, L/3 मल्टीप्लाई किया, ऐसे रखा होता, अभी हमने इसको अपोजिट कर दिया, उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, 2×2=4, और ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई में 2×4/3, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 10 × 5×10 × 10, तो ये आ गया, आर भी उधर ले जाओगे, आर बी मल्टीप्लाई 4, तो ये कैलकुलेट हो गया 26.6667, ठीक है, इसको डिवाइड बाई 4 कर दीजिए तो आ जाएगा, आर बी निकल के आ जाएगा 6.667 किलो न्यूटन, ठीक है। अब आर बी को यहां पुट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, तो आर ए निकल के आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, आर ए आपका निकल के आ जाएगा यहां से 10 घटा ये इसमें से 10 में से, तो ये आ जाएगा 3.33 समथिंग, ठीक है, थोड़ा सा एरर आएगा, वो अप्रोक्स लेके चले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आर बी आ गया 6.667 और आर ए आ गया हमारा 3.33, ठीक है। अब यहां पर हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन, अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, क्या हो जाएगा, एफ डैश बी कितना है, 0, एफ बी कितना है मेरा, अपर की ओर 6.667 किलो न्यूटन, ठीक है, एफ डैश ए कितना है, 6.667 और ऊपर से कितना लग रहा है, माइनस का 1/2 और बेस इनटू हाइट, ठीक है, 2×2=4, तो कितना हो जाएगा, 6.667 माइनस का 10, तो ये आ गया एफ डैश ए माइनस का 3.333 किलो न्यूटन, ठीक है, और एफ ए कितना आ गया, ये 3, ठीक है, माइनस का 3.33 और प्लस का, जैसे लग रहा है प्लस का 3.33, ठीक है, ये 0 आ गया। ऐसे ही बीएमसी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड, ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, बीएमसी कैलकुलेट करेंगे, एमबी पर तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एमए पर आ गए, क्या हो जाएगा, माइनस का 6.667 इंटू 4 प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू कितना हो जाएगा, इधर से ले रहे हैं तो 2L/3 मतलब 2×4/3, ये आपका 0 आएगा, लगा दीजिए यहां से 0, तो पहले तो हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं, सॉरी शेयर फोर्स का प्लस माइनस, ये 0 से स्टार्ट है, FB कितना है 6.667, ठीक है, और F डैश A माइनस का 3.33 समथिंग, ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया 0, तो ये नोट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, डायग्राम सेम ही बनेगा, क्यों बनेगा बताते हैं बाद में, ठीक है, ये 0, ये भी 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये हाइपरबोलिक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केसेस में ये क्या हो, कहीं सेंटर पे लग जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये जो है कहीं बीच में लग जाए, मतलब ये कहीं यहां, मान लो यहां लग गया ये ऐसे, ठीक है, तो ए बी सी और ये डी, यहां से हमने बोल दिया 2 मीटर की डिस्टेंस है, यहां से बोल दिया 4 मीटर की डिस्टेंस है, और यहां से बोल दिया 1 मीटर की डिस्टेंस है, कोई दिक्कत है किसी को बोल दीजिएगा, और यहां से बोल दिया
3 किलोन्यूटन का किलोन्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। ठीक है, यहां तक किसी दिक्कत? ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए ताकि हम डायग्राम ड्रॉ करने में हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, वही लोअर लोड इज इक्वल टू अपर लोड कितनी है, आर ए प्लस आर डी, जितना एरिया है उतना ही लोड होगा, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना परसेंट लोड, 6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो रिएक्शन अबाउट ए निकालेंगे। अब देखिए यहां खेल समझिएगा, रिएक्शन अबाउट ए क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव बोल दिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोल दिया। चलिए ये घूम रहा है ऐसे, यानी कि माइनस का आर डी, टोटल कितनी डिस्टेंस है, 4, 5, 5 और 2, 7। ठीक है, उसके बाद प्लस ये लोड कैसे करेगा, ऐसे करेगा, तो पहले इसका एरिया लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसके सेंटर से ले रहा है, यहां से ये क्या चल रहा है इधर, ये क्या है 2L/3, यहां से ऐसे चल रहा है, तो 2 अब मल्टीप्लाई होगा 2L/3, 2L कितना है यहां पे, L कितना है 4 है, 2L/3, और जहां तक ये कैलकुलेटर उस वो डिस्टेंस और जोड़ देंगे, प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया, इधर ले जाओगे तो आर डी इंटू 7 पॉजिटिव का हो जाएगा, तो इधर बचेगा ये कैलकुलेट कर लो, 2 × 2 = 4, तो ये यहां से कैलकुलेट करते हैं, 2 × 4 / 3 प्लस 2 × 3 = 6। ठीक है, ये आ गया 28, और आर डी डिवाइड बाई 7 करके 7 × 28 हो जाएगा, यानी कि आर डी आ गया 4 किलो न्यूटन, यानी कि आर डी आपका आ गया 4 किलो न्यूटन। अब इसकी जगह आर डी अब ये पुट कर तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी, आर ए कितनी आएगी, 6 घटा दीजिए, यानी कि 6 घटा दीजिए तो क्या जाएगा 2, यानी कि आर ए कितना आ गया 2 किलो न्यूटन, यानी कि आर ए आ गया 2 किलो न्यूटन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, आर ए कितना आ गया 2 किलो न्यूटन। अब हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, शेयर फोर्स कैलकुलेशन अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव, ये क्या है, पहला पॉइंट लोड है तो एफ डैश डी 0, एफ डी कितना लग रहा है, कितना है पॉजिटिव, यानी कि 4 किलो न्यूटन, और ये लोड यहां तक भी लगेगा, कोई डैश नहीं होगा, एफ सी 4 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद एफ बी कितना है 4, और ऊपर से कितना लग रहा है माइनस का 1/2, और बेस कितना है 4 इंटू हाइट, तो कितना हो गया 2 × 4, यानी कि 4 माइनस का 3 × 6, यानी कि माइनस का 2 किलो न्यूटन। ठीक है, यानी कि एफ डैश ए कितना रहेगा माइनस का 2 किलो न्यूटन, और एफ ए कितना रहेगा माइनस का 2 प्लस का 2 बराबर 0। कैलकुलेशन समझ में आई सभी को? अब हम करते हैं बीएमसी की कैलकुलेशन, बीएमसी कैलकुलेशन वही क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव मानना, एम डी तो मेरा डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर सी पर, एम सी पर कितना आ जाएगा, ये लोड कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, कैसे माना नेगेटिव, माइनस का 4 × 1, यानी कि माइनस का 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, उसके आगे बात एम बी पर, माइनस का 4 × 5 और प्लस अभी लोड 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और ऐसे चल रहे हैं हम तो 2L/3 और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × L कितना है 4/3। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 5 × 20 और प्लस कितना बचेगा 4 × 16, यानी कि माइनस का 4 किलो न्यूटन। ठीक है, आगे एम ए पर कितना आ गया, माइनस का 4 मल्टीप्लाई कितना दूरी हो गई,
पांच और दो सात, ठीक है, प्लस अब आ गए लोड के ऊपर, वन बाई टू बेस इंटू हाइट। अब देखो वही 12/3 यानी 2 × 4/3 और प्लस कहां तक की दूरी जहां तक हम निकाले प्लस 2, ये क्या आएगा, ये जीरो आएगा, आपका आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस माइनस जीरो, एफ डी कितना है 4, सी कितना है 4, ठीक है, उसके बाद एफ बी कितना है माइनस का 2, ठीक है, एफ डैश बी माइनस का 2, उसके बाद जीरो, जैसे जैसे मिलाया वैसे वैसे मिला दीजिए बस, ठीक है। ये आ गया मेरा शेयर फोर डायग्राम। अब बनाते हैं बेंडिंग कोण है प्लस माइनस। अब देखो ये वाला हिस्सा जीरो है और सी पर कितना है माइनस का 4, सी पर कितना है 4 माइनस का है लेकिन, ठीक है। उसके बाद एम बी पर भी कितना है माइनस का 4, ठीक है, उसके बाद ये जीरो है तो ये क्या होगा, ये कुछ इंक्लाइन लाइन होगी, ये ऐसे होगा, ठीक है, ये कुछ इसे ये पैराबोलिक हाइपरबोलिक लिख देना, हाइपरबोलिक ये इंक्लाइन लाइन हो गई, ठीक है। तो यहां पर शेयर फोर्स जहां जीरो होता है, शेयर फोर्स जहां जीरो होता है वह बेंडिंग मोमेंट क्या होता है मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखिएगा सब लोग, इतना नोट करिए। क्वेश्चन बहुत टिपिकल आने वाले हैं, अभी तो बहुत सिंपल चल रहा है, बहुत सिंपल बेसिक 1/1 टॉपिक बता रहा हूं, इसके बाद बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्वेश्चन ही एक एक डेढ़ घंटे का हो जाएगा, तो पहले ध्यान से समझ लीजिए, किसी को दिक्कत आ रही हो तो बोलिए, अगर चलिए अब क्वेश्चन थोड़े से मल्टीप्लाई क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा कंबाइन करते हैं सारे क्वेश्चंस। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये गेट में आया हुआ है, ठीक है, और ये मेरा एक यूडी लगा हुआ है 5 kN/m का, डिस्टेंस 2 मीटर है मेरी, ठीक है, ये मेरा 3 मीटर और ये मेरा 2 kN/m का लोड लग रहा है, ए बी एंड सी, तो जितने पॉइंट है थोड़ा आगे बढ़ा दिए ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो, डायग्राम बनाने में भी दिक्कत ना हो। भाई लोअर लोड इज इक्वल टू अपर लोड, यानी कि कितना है रिएक्शंस, आर ए प्लस आर सी, आर ए प्लस आर सी कितना लोड लग रहा है, एक तो जीवीएल है एक यूडीएल है, जीवीएल का फॉर्मूला क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2, प्लस मेरा यूडीएल लग रहा है तो 5 × 2 यानी कि 10 कितना आ गया, यानी कि 5 × 10 = 13 का ऊपर से लोड लग रहा है, रिएक्शन अबाउट द ए निकालेंगे, रिएक्शन अबाउट ए क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है, पहले से मान के रखेंगे, ठीक है, ये अंडरस्टूड रखेंगे, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब देखो ये माइनस आर सी, माइनस का आर सी मल्टीप्लाई कितना चल रहा है 3, 2, 5, ठीक है, प्लस एक तो मेरा यूडीएल पहले लगा हुआ है तो यूडीएल का फॉर्मूला क्या हुआ है 1/2 बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है 2। अब देखो बेटा अब यहां से चल रहा है तो ये हिस्सा क्या था 2l/3 यहां से लेके और ये क्या था l/3, लेकिन हम चल कैसे रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं तो इसमें 2l/3 और मल्टीप्लाई 2 × l कितना है 3, 2l/3
और कहां तक की डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और दो देंगे प्लस टू। ठीक है, इतना कैलकुलेट समझ में आया। अब ये बात खत्म होगी, अब इसकी शुरू होती है। ये यूडीएल है प्लस फाइव मल्टीप्लाई टू, यही हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई टू और टू का आधा टू बाई टू बराबर जीरो। तो उधर ले जाएंगे आरसी मल्टीप्लाई फाइव बराबर, एक दो से दो कट जाएगा, तीन से तीन कट जाएगा, एक से एक कट, तो ये बचेगा फोर, ये हो जाएगा टू बचेगा यहां से, तो दो दो चार, चार तीन बारह, बारह और प्लस दस कितना बाईस, बारह प्लस दस बाईस, ठीक है बाईस किलोमीटर, ये आ रहा है चेक कर लीजिएगा। तो आर सी बाईस बटा कितना हो जाएगा फाइव, तो ये आ गया 4.4 किलो न्यूटन, यानी कि आर सी बटा कितना लगेगा 4.4 किलो न्यूटन लग गया। इस आर सी की जगह पर इसको आप यहां रख दीजिए तो आर ए की रिफाइंड हो जाएगी माइनस के 13, तो ये आ गया आर ए आ गया यहां पर 8.6 किलो न्यूटन, यानी कि आर ए आ गया 8.6 किलो न्यूटन। अब हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे यहां पर, एस शेयर फोर्स कैलकुलेशन, वही मानेंगे अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, एफ डैश सी कितना है जीरो, एफ सी कितना है यहां पर अपर पॉजिटिव, यानी कि 4.4 किलो न्यूटन। ठीक है, अब एफ बी क्योंकि यहां कोई पॉइंट लोड नहीं है, डायरेक्टली निकाल देंगे क्योंकि डैश कहां निकलेगा, पॉइंट लोड पर निकलेगा, पहले भी जान चुके हो, तो 4.4 माइनस का 1/2, एरिया कितना हो गया 1/2 बेस इनटू हाइट, तो ये हो गया 4.4 माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि हम लोड निकाल रहे हैं तो 4.4 माइनस का 3, तो ये हो गया लगभग 1.FB हो गया 1.4 किलो न्यूटन। ठीक है, एफ बी निकल गया। अब आते हैं एफ डैश ए पर, एफ डैश ए पर, तो ये हो गया 1.4 माइनस कितना हो जाएगा 1.4 और 5 मल्टीप्लाई टू यानी कि 10। ठीक है, माइनस 10, तो कितना आ गया, ये आ गया 8.6 वो भी माइनस का किलो न्यूटन, एफ किलो न्यूटन। एफ ए पर कितना आ गया माइनस का 8.6, और देखो प्लस का 8.6 नीचे से लग रहा है, तो ये क्या हो गया जीरो हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीएमसी की, बीएमसी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट एमसी क्या होगा डायरेक्टली जीरो, और एमबी कितना हो जाएगा माइनस का 4.4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 बाई, क्योंकि लोड ऐसे करेगा 1/2 बेस इनटू हाइट और इनटू 12/3, मतलब 2 इनटू एल, एल कितना है 12/3, तो दो से दो काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, कितना बचा माइनस का 4.4 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 3 इनटू ये बचा 2, तो कितना हो गया माइनस का 4.4 इंटू 3 और प्लस का 3 × 6। ठीक है, तो एम बी बचा, ये आ गया माइनस का 7.2 किलो न्यूटन। उसके बाद आते हैं एम ए पर, एम ए वाला पॉइंट, ठीक है एम ए वाला पॉइंट कितना है माइनस का 4.4 मल्टीप्लाई कितना हो गया 6 और प्लस 1/2 ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अब क्या 2 इंटू एल बाई 3, अब कहां तक ले रहे हैं ए तक ले रहे हैं, यानी कि प्लस 2 और जोड़ देंगे। ठीक है, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2/2, ये सब आके कहना चाहिए जीरो आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, चलिए बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम। पहले शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, प्लस माइनस 0,0 से स्टार्ट होता है, ये जीरो है, एफ सी कितना है मेरा पॉजिटिव है तो 4.4। ठीक है, उसके बाद एफ बी कितना है
ये कहीं होगा 1.4, ये यहां पर है 1.4, एफ डैश ए कितना है 8.6, तो ये कहीं यहां पर होगा 8.6 और लास्ट में क्या हो गया 0। तो ये क्या होता है, ये आएगा एक पैराबोलिक ऐसे कुछ इस तरीके से, और ये क्या आएगा एक इंक्लाइन लाइन, ठीक। और बात भी है जीरो हो गया था तो इसको बना दिए हैचिंग लाइन कर दीजिए, ठीक है, आपको फाइंड हो जाएगा डायग्राम। उसके बाद ये लाइन, ये लिख दीजिए एस एफ डी शेयर फोर्स डायग्राम, प्लस माइनस 0.0 से स्टार्ट हो रहा है, एफ सी कितना है 0 और एम बी कितना है, एम बी है ये 0 है और एम बी है मेरा 7.2, ठीक है, उसके बाद ये 0, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से थोड़ा सा कर्व ज्यादा रखिएगा इसका, ठीक है, और इसका कर्व कम रखिएगा, तो चौथ लिख दीजिएगा, ये हो गया पैराबोलिक, पैराबोलिक और ये हो गया हाइपरबोलिक, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देते हैं, घर से करके लाइएगा। क्वेश्चन है हमारे पास ये मेरा है 5 kN/m का, ये है मेरा 3 m, ये है मेरा 2 m, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन दे रहे हैं, अब सारे क्वेश्चन कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 2 kN 1 m और ये टोटल यूनिट कितना है 6 kN/m का, ये मेरा हो गया 2 m, ये हो गया 2 m, ठीक है, एबीसी अपना लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, और kN/m का है, ये 6 N का है, kN लिख लीजिए इसको, और ये 2 kN/m का है, ये हो गया 2 m, ये हो गया 3 m, ठीक है। कितना हुआ, 3 क्वेश्चन और ले लिए, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक ये मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट SSC गेट में पूछा गया है, ठीक है, ये टोटल लेंथ 3 m है और ये मेरा UDL है पूरा, ये मेरा 2 kN/m का है, ये 5 kN/m का है, ठीक है। अभी इसमें वन है कि दे रहे हैं, ठीक है, पहले इतने करिएगा, ये हो गया 1 kN/m और ये हो गया 4 kN/m, ये हो गया 2 m, ये हो गया 3 m, ये हो गया 4 m, ठीक है। ईवीसी आप अपना लिखिएगा, इसको मान लीजिए हमारा यूडीएल है वो 2 kN/m का है, ठीक है, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं सब लोग, ठीक है, चलिए इतना नोट हो गया सभी लोगों का, इतना नोट करिए, हमें बताइएगा YouTube के माध्यम से ये आंसर कितने कितने आ रहेंगे, सबकी रिएक्शंस बैडमिंटन डायग्राम बनाकर बताइएगा, फिर हम आपको इसका तरीके और बताते हैं। चलिए लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। आप लोग जो भी देख रहे हैं बीटेक या डिप्लोमा वाले, तो प्लीज हमारे जो वीडियो है उनको प्रमोट करिए और साथ में शेयर और लाइक जरूर करना ना भूले, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वेलकम।